पकड़ाकर सीताराम। समुद्र के किनारे बैठे हुए सभी वानर मंत्रणा कर रहे हैं किस तरह से समुद्र को पार किया जाए और कैसे किया जाए। तो इतना अथाह समुद्र दिखाई दे रहा है, ये विचार करके अंगद बड़ी निराश हो जाते और कहने लगे, भाई यहां जाना आगे बड़ा मुश्किल है, मेरी तो दोनों तरफ से मृत्यु हो गई। पीछे जाता हूं तो कपिराज, हमारे कपिराज सुग्रीव मुझे मार डालेंगे, क्योंकि बीती अवध बीत जाएगी। अवध बीत जाने के बाद जाने को उन्होंने पहले कह दिया है कि मृत्युदंड है। वो तो पहले मुझे मारना चाहते थे, राम की कृपा से ही मैं जीवित हूं, और आगे समुद्र पार कैसे किया जाए। सभी बानर सर झुका जाते हैं, मूर्छित अवस्था आ जाती है, कहने लगे, ए नरश्रेष्ठ, ये बानर श्रेष्ठ हमें छोड़कर, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम वापस कोई नहीं जाएगा, चाहे सबको ही मृत्यु का वर्ण करना पड़े। ये गुफा में बैठा हुआ गिद्धराज संपाति ये सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, कहने लगता है, विधाता आज तूने एक साथ ही सब मुझे भोजन दे दिया, अब तक मैं भोजन को तरस रहा था, आज एक साथ ही दे दिया। ये सुनकर श्री बानर चौंक पड़े और बड़े भयभीत हुए, बड़े भयभीत हुए उसकी बात सुनकर। तो अंगद कहने लगे कि देखो, एक तो वह गिद्धराज थे जो भगवान के कार्य में अपने शरीर को अर्पण कर दिया, अपने शरीर की नौछावर कर दिया भगवान के कार्य के लिए, जटायु। एक ये गिद्धराज हैं जो उनके दूतों को खाना चाहते हैं। जब इन्होंने गिद्धराज ने ये बात सुनी संपाति ने कि जटायु को तुम कैसे जानते हो, उन्होंने पास आया और कहने लगे, तुम जटायु कैसे जानते हो भैया, मुझे बताओ। अब बानर उन्हें आते देखकर बड़े भयभीत हुए, तो खाने की तो पहली बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जटायु मेरा भाई था, इसलिए पूछ रहा हूं तुम उन्हें कैसे जानते हो, उन्होंने अपने शरीर को भगवान के कार्य में कहां आहुति दे दी। तो अंगद ने सारा वृतांत उसे सुनाया, इस तरह से भगवान के कार्य में उन्होंने सीता के हरण करते समय आहुति दी है। ये सुनकर उन्होंने संपाति ने बड़ा ही दुख माना और कहा, भैया मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ, शोक संतप्त मुझे कराओ। बानरों ने उसकी मदद की, समुद्र किनारे लेके उन्हें तिलांजलि दी। उसके बाद फिर उसने अपना सारा वृतांत सुनाया कि भैया मैं और जटायु दोनों बड़े वीर थे, मैं अभिमानी था, वो निराभिमानी थे, वो भक्त थे। एक दिन हम दोनों में बहस हुई, सूर्य को छूने के लिए हम दोनों उड़े। जब सूर्य के नजदीक जाते पहुंचते गए तो जलन तपन इतनी हुई कि जटायु वापस चले आए और मैं अभिमान के कारण उनके आगे को बढ़ता चला गया, तो मेरे पंख जल गए और मैं यहीं आके गिर पड़ा। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा, भैया त्रेता युग में भगवान का अवतार होगा, उनकी नारी का हरण ऋचपति निशाचरपति करेगा, उनके दूत खोजते हुए जब आएंगे तो तुमने उनका रास्ता बता देना और उसी समय तुम्हारे पंख फिर दोबारा से प्रकट हो जाएंगे। सो भैया तुम्हारे मिलने से मेरे पंख ये देखो दोबारा हो गए हैं। सामने इस समुद्र के दूसरे किनारे पर लंका है, लंका में अशोक वन है, अशोक वन में सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है, मैं देखूं तुम नाही गीदे दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही गीदे दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अन्यथा मैं अपनी पीठ पर ले जाकर तुम्हें वहां पहुंचा सकता था। अब भैया भगवान की कृपा से जो इस समुद्र को पार करेगा वो सीता जी की जाकर दर्शन कर सकता है।
जो नागे सद जोग जन सागर करई सो राम काज अति आगर मोय बिलोक धरो मन धीरा राम कृपा कस भयो शरीरा। मुझे देख करके धैर्य धारण करो, तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। क्यों कि पापी उजागर नाम सुम रही अति अपार भव सागर तरही। पापी लोग भी भगवान के नाम से भव सागर पार कर जाते हैं, तो आप तो उनके दूत हैं, आपका कार्य अवश्य होगा। ये बात कहकर गिद्धराज वहां से चले जाते हैं, पंख उनके हो गए थे, वो उड़ जाते हैं। और ये सुनकर सब बाणरों ने मंत्रणा की कि सत्य है, कोई न कोई हमें उपाय अवश्य देंगे, भगवान की कृपा से हम पार अवश्य करेंगे। तो सब अपने अपने बल का बखान करने लगे। अंगद कहने लगे मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस होना मुश्किल है, वापस होना सहज नहीं है। कोई कुछ कहे, कोई 10 कोस, कोई 4 कोस, कोई 20 कोस, अपने अपने बल बखान करने लगे। जावंत कहते हैं हनुमान जी कहाँ है, देखा तो हनुमान जी भगवान के भजन में लीन है, एकांत में बैठे हुए भगवान के समाधि से ध्यान कर रहे हैं। जावंत जाकर कहा हनुमान का चुप साद रहे हो बलवाना, तुम क्यों चुप बैठे हो, क्या विचार कर रहे हो। अरे तुम तो पवन के समान, पवन के पुत्र हो, पवन तने पर पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक के ज्ञान के तुम सागर हो, पवन के पुत्र हो, पवन के समान चलने वाले हो, तुम क्यों इस प्रकार से शांत बैठे हो। कवन सो कार्य कठिन जगवाई जो नहीं होता तुम भाई, ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते है? तुम तो बुद्धि विवेक के निधान सागर हो, ऐसा संसार में कोई काम जिसे तुम नहीं कर सकते। क्योंकि हनुमान जी अपने बल को भूले हुए थे, गुरु कुल में त्रिबंधु के आश्रम में उन्हें त्रिबंधु ने श्राप दे दिया था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, जब विशेष याद दिलाएगा कोई तब तुम्हें याद आएगी। तो आज वो त्रिबंधु का श्राप पूरा हुआ, जावंत जी ने जब उन्हें बल बुद्धि का याद दिलाया तो जावंत जी की बात सुनकर के उन्हें अपनी बल का भान हुआ हैं? तो कहते सिंह नाद कर बारे बारह लीले नागो जन्य दिखा रहा। जब होगा हनुमान जी ने सुना राम काज लगे तब अवतारा, सुनो तो वही पर्वताकारा, राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ये बात सुनकर उनका शरीर एकदम प्रफुल्लित हो गया और पर्वत सुबेर पर्वत के समान उनका शरीर हो गया। बड़ा उन्हें एकदम साहस हुआ कि मेरे शरीर में तो बहुत बल है, मैं राम के कार्य के लिए पैदा करूँ, मुझे राम का कार्य करना चाहिए। तो बड़ी जोर से सिंहनाद किया उन्होंने, सिंहनाद कर बार बार दहाड़ने लगे और कहने लील नागूं, मैं सागर को लील जाऊं पी जाऊं, नागूं कूद जाऊं इस जल भरे हुए सागर को जो खारा है। बोलो सहित सहाय रावण ही मारी, मैं रावण को सेना सहित मार दू जा करके, या आन यहाँ त्रिकूट पारी, मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ले आऊं जिसमें लंका बसी हुई है। हैं जाओ मंत्र में पूछो तो ही, हे वृद्ध दादा, हे बूढ़े बाबा, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, उचित सिखावन दीजो मोई। देखिए सुन समझने की बात है, कितने बलशाली हैं। स्वयं जामदेव उनके बल की प्रशंसा करते कि संसार में कोई काम ऐसा नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते, बुद्धि और विवेक के तुम सागर हो, सब कुछ हो, ये जाम स्वयं बता रहे। लेकिन उनका कितना वंदनीय विचार है, कितना संस्कारित शब्द है, कितने सुशील हैं कि अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान कर रहे हैं। कहते पूछ रहे कि मैं क्या करूं, तुम बताओ। कोई उन्हें अहंकार नहीं है बल बुद्ध होते हुए भी, फिर भी बड़ी शालीनता से कहते हैं जो तुम उचित शिक्षा दो मैं वही करूं। तो जावंत जी कहते हैं भैया तुम इतना करो केवल सीता जी का पता लगा के लौट के आओ। फिर भगवान राजीव ने कमल के नेत्रों वाले सांवरे सलोने मेरे प्रभु राम, सेना हम बाणरों की सेना के जाकर के रावण को मारेंगे और संसार में यश को प्राप्त होंगे, नारद सारद सभी उनका यश गान करेंगे। और इस प्रकार से जामदेव ने शिक्षा देते, ये वचन जामदेव जी के हनुमान जी को बड़े सुंदर लगे, बड़े सुहाए, बड़े अच्छे लगे। जावंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई, उनके हृदय को इतने सुंदर लगे, इतने अच्छे लगे कि उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ।
और फिर कहने लगे अच्छा तो जब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मुझे परखना, मेरी इंतजार करना, सह कुछ दुख मिले तुम्हें दुख सहना, कंदमूल खाकर अपना गुजारा करना, लेकिन यहां से जाना मत जब तक मैं लौट कर ना जाऊं। यह कह करके सबको प्रणाम किया, पूरे रामादल को हनुमान जी प्रणाम करते हैं, बस सिर झुकाकर। अहंकार नहीं है अपने बल का, बुद्धि का अहंकार नहीं है। आजकल होता तो फौरन तुम बसी का गुना मैं जा रहा हूं, नहीं, बड़े सब नम्रता से उन्होंने सबको प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। फिर एक पर्वत पर ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं, ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखते हैं और थोड़ा लुका गर्दन झुका करके और छलांग लगाते हैं। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुखा पाताल तुरंत। जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी छलांग लगाते हैं, उस 100 योजन के सागर को कूद लागने के लिए वो रात पाताल को चला जाता है, पाताल को वो पर्वत चला जाता है। कितनी छलांग उन्होंने बलपूर्वक लगाई, कितने बलपूर्वक उन्होंने जोर लगाया कूदने के लिए, पर्वत ही पाताल चला गया। हनुमान जी के बलबुद्ध कौशल की कथा अगले वीडियो में सुनाई जाएगी। बोल गड़ाकर सीताराम।